नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को फ्री में गैस कनेक्शन दिए जाते हैं, उसको जो है देने की जो प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू हो चुकी है, फिर से जो है फार्म भरे जा रहे हैं। तो इसमें जो है कौन कौन पात्र होता है, क्या शर्तें रखी गई हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है उज्ज्वला योजना फ्री गैस कनेक्शन के लिए जो है लगते हैं, सभी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। बाकी फार्म को कैसे अप्लाई करना है, भरना कैसे है, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना बताएंगे कि इसके लिए क्या शर्तें हैं और डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे तो आप गूगल खोलेंगे और वहां पर जो है उज्ज्वला योजना फ्री गैस कनेक्शन की शर्तें और साथ ही डॉक्यूमेंट के बारे में सर्च करेंगे तो बहुत कुछ आपको देखने के लिए वहां पे मिल जाएगा। लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने यहाँ पे कवर किया है। यहाँ पे देख सकते हैं उज्ज्वला योजना जो है उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए जो शर्तें हैं। नंबर एक तो जो है आवेदक महिला होनी चाहिए। तो ये जो गैस कनेक्शन है महिला के ही नाम से होता है, तो महिला का ही जो है यहाँ पे महिला के ही नाम से आप जो है आवेदक होना चाहिए। उसके नाम से जो है राशन कार्ड होना चाहिए, ठीक। उसके बाद में महिला आवेदक की जो उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो, ठीक। 18 वर्ष से अगर कम है तो आवेदन नहीं कर सकती हैं। महिला की उम्र 18 वर्ष के ऊपर हो। तीसरी शर्त जो है महिला के पास राशन कार्ड होना चाहिए, क्योंकि महिला आवेदक बनेगी तो इसलिए उसके नाम से ही राशन कार्ड जो है होना। चौथा पॉइंट है घर में किसी भी सदस्य के नाम से एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अब घर में मतलब जो राशन कार्ड है और उस राशन कार्ड में जितने भी सदस्य हैं उनमें से किसी भी सदस्य के नाम से किसी प्रकार का कोई गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री का हो या फिर खुद से आपने अगर करवा लिया है तब भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये हो गया इसकी जो है शर्तें। अब हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए जो डॉक्यूमेंट है। पहला चीज तो राशन कार्ड, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि महिला आवेदक हो कि महिला के नाम से राशन कार्ड होना चाहिए, तो राशन कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक। उसके बाद में दो फोटो आवेदक महिला का, जिसके नाम से गैस कनेक्शन होना है उस महिला का दो फोटो लगेगा पासपोर्ट साइज वाला, और उसके नाम से एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसका पासबुक का फोटो कॉपी लगेगा। और उसके बाद में राशन कार्ड में जितने भी सदस्य हैं, जो राशन कार्ड है उसमें जितने भी सदस्य हैं, चाहे छोटे बच्चे हों बड़े बच्चे हों, जितने भी सदस्य हैं सभी सदस्यों का जो है आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी लगेगी, और साथ ही मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। इतना डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप उज्ज्वला योजना के जो है पात्र हैं, आप उज्ज्वला योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन तरीके से कैसे अप्लाई करना है, आप घर बैठे भी अप्लाई कर सकते हो, ऑफलाइन तरीके से कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।